दोस्तों लास्ट ईयर मोटरोला ने रिटर्न किया सीगा अपने मोटो एज प्लस दे नाल ते हुण एक होर फोन लॉन्च करन जा रहे आ जिसका नाम हैगा मोटरोला एज एस जिहदे विच आपां नूं स्नैपड्रैगन 800 दा चिपसेट देखण नूं मिल जूगा। तो इस साल मोटरोला एज अपना फोन जरूर लै गया होगा तो इंटरस्टिंग रहेगा देखना कदों आपां नूं इह फोन देखण नूं मिल जाता मार्केट दे विच। तो सब तो पहला तो आपां नूं चाइना विच ही देखण नूं मिलेगा। नैक्सट अपडेट की गल करिए दोस्तों 65 वाट का फास्ट चार्जर सैमसंग का सर्टिफाइड हो चुका सीगा कोरियन अथॉरिटी द्वारा पिछले सितंबर के पर हुण आपां नूं एक फोटो निकल के आउंदियां पईआं आ जिहदे विच साफ साफ दिखाई दिंदा पिआ है कि जो 65 वाट का फास्ट चार्जर आपां नूं जल्दी ही देखण नूं मिल जूगा। तो अलावा दोस्तों ये भी रूमर्स निकल के आते पे है कि S21 के नाल आपां नूं 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने मिल सकता पर S21 65 वाट के फास्ट चार्जर नूं सपोर्ट नहीं करो। एंड इस तो अलावा दोस्तों ये भी रूमर्स निकल के आते पे है कि S21 Ultra के नाल आपां नूं 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने मिलेगा बट F21 65 वाट के फास्ट चार्जर नूं सपोर्ट नहीं कर सकता। दोस्तों ये भी पता लगता पाया कि सैमसंग का Note 21 Ultra आपां नूं 65 वाट के फास्ट चार्जर के नाल देखने को मिल सकता है। नैक्सट अपडेट की गल करिए दोस्तों जो तुम गलैक्सी जेड फोल्ड 2 यूज़ करते हो तो तुहानू 1UI 3.0 प्लस एंड्रॉयड उपर अपडेट देखने को मिल जूगी। जर्मन वैच ते साउथ कोरिया वैच ये अपडेट मिल चुकी है सारियां नू ते इंडिया वैच आपां नू कदों देखने को मिलती है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरस्टिंग रहने वाला है। जुलाई की सिक्योरिटी पैच भी इस फोन दे वैच आपां नू देखने को मिल चुका है। तो जे तुसी जेड फोल्ड 2 यूज़ करते हो तो डेफिनेटली तुहानू चैक करना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर ऑप्शन दे वैच जा के कि तुहानू ये अपडेट मिल गई है जां नहीं। तो जे अपडेट तुहानू मिल चुकी है तो तुसी जरूर इस नू अपडेट कर सकते हो। तो इस अपडेट के नाल तुहाडे नोटिफिकेशन एरिया ते चैट बबल्स जरूर इंप्रूव हो जाएंगे। नैक्सट अपडेट भी आपां नूं सैमसंग दे फोन बारे मिल रही आ गल करते हैं F21 Ultra दे बारे। इस फोन दे बॉक्स विच आपां नूं की कुछ देखण मिलेगा सैमसंग ने सेम कॉपी करके एप्पल दी ते इस वारी अपने बॉक्स दे विच कुछ भी इनकलूड नहीं किया। हाँ बट आपां नूं फोन देखण नूं मिल जूगा इस तों अलावा क्विक स्टार्ट गाइड ते सिम रिजेक्टर टूल ते USB-C टाइप केबल देखण मिल जूगी। ये 3-4 चीज़ा ही आपां नूं आउट ऑफ बॉक्स देखण नूं मिलूगियां। नो चार्जर नो हैडसैट इस बॉक्स विच देखण नूं नहीं मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाली गल आ। पर सैमसंग यह दावा कर रहा है जिदा सेम आईफोन कर रहा सीगा कि असी इनवायरमेंट नूं सेव करन दे लई ये स्टैप चक रहे हैं बट ये सिर्फ एक मनी मेकिंग स्टैप आ। इस तो अलावा दोस्तों जे आप इस मोबाइल फोन के कैमरे बारे गल करिए आपां नूं एक न्यू फीचर देखण मिलेगा न्यू डुअल जूम जिसनों आप यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पिक्चर लै सकते हैं। इस तो अलावा 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा आ ओदे नाल किन्नी ज़्यादा डिटेल में फोटो आउंदी आ देख सकते हैं। होर फोटो निकल के आउंदी पई जिहदे विच आपां नूं पता लगता है कि नाइट दे टाइम रात दे टाइम आपां किन्नी ज़्यादा क्लीयरली फोटो क्लिक कर सकते हैं इस मोबाइल फोन दे नाल। तो जे आपां मैमोरी की गल करिए फोन दे विच आपां नूं 16 GB की रैम 512 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। इस तों अलावा आपां इस दी जो मैमोरी आ वधा सकते हैं SD कार्ड लगा के। तो जे आपां छोटे मॉडल की गल करिए S21 ते F21 Plus की तो उहदे विच 256 GB ते नाल आपां नूं कोई भी मैक्रो SD कार्ड लगाउण दा ऑप्शन देखण नूं नहीं मिलेगा। ये मैनूं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली गल लगी है कि एक तो 256 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है तो इस तों अलावा आपां इसकी जो मैमरी है वधा नहीं सकते SD कार्ड लगा के। एंड इस तों अलावा दोस्तों सैमसंग ने अपना Exynos 2100 ऑफिशियली लॉन्च कर दिता है तो आपां नूं इसका जो ऑफिशियल ट्रेलर भी देखने को मिल गया है। 15 जनवरी को होने वाले लाइव ईवेंट उपर सैमसंग अपने 2 वायरलैस चार्जर इंट्रोड्यूस करेगा सैमसंग वायरलैस चार्जर Duo 2 सैमसंग वायरलैस चार्जर Pad 2। ये 2 वायरलैस चार्जर आ हो सकता है कि 15 जनवरी को F21 Ultra के लॉन्च ईवेंट उपर यह वायरलैस चार्जर आपां नूं देखने को मिल जाए। तो इसते स्पीड बारे गल करिए कितनी स्पीड आपां मिल जूगी इस चार्जर विच एंड प्राइस की गल करिए तो इस दे बारे आपां ज़्यादा इनफॉर्मेशन देखने नहीं मिलती पर 2 दिन के आपां काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मेशन मिल जूगी तुहाडे कोल पंजाबी दे विच सब तो पहले नंबर के उपर इनफॉर्मेशन पहुँच जूगी। उस तो काफ़ी ज़्यादा एक जबरदस्त अपडेट आ रही है ZTE Exynos 25G फर्स्ट फोन है जिहदे विच आपां नूं अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त ये गल आ कि आपां नूं 2021 विच पहला फोन मिल चुका है जिहदे विच अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल चुका है। कितना कामयाब होंदा है कितना नहीं ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा बट हाँ ये गल फाइनल हो चुकी आ कि इस साल के आपां नूं अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जूगा। काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त न्यूज़ आ। तो अलावा दोस्तों जे आप इस फोन की स्पेसीफिकेशन बारे गल करिए 8 GB 128 GB 6.92 इंच की AMOLED
1080p रेजोल्यूशन उपर स्क्रीन देखने मिलेगी। तो इस स्क्रीन के आप 90 हर्ट्ज़ रिफ्रैश रेट देखने मिलेगा। 32 मेगापिक्सल का सैल्फी शूटर कैमरा देखने मिलेगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ते स्नैपड्रैगन आप 76G ते बैटरी कैपेसिटी की गल करिए 4200mAh की बैटरी इस फोन देखने मिलेगी। नैक्सट अपडेट आ रही है एप्पल के न्यू प्रोडक्ट को लैके MI पावर्ड मैक बारे, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है स्पीड ते पावर एफिशेंसी। पर ये एक दिक्कत आ रही है कि इस डिवाइस के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ब्लूटूथ कनैक्टिविटी लैके। कनैक्टिविटी कई बार डिसकनैक्ट हो जाती है, कई बार ड्रॉप हो जाती है। जदों तो यह लॉन्च किया गया उस तो बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को देखने मिलती पई है। तो एप्पल इस उपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, तो हो सकता है कि जल्दी ये फिक्स हो जाए, तो पता नहीं कदों ठीक होंगी है। तो यह सारिया अपडेट्स पंजाबी दे विच। वीडियो में लैके जो तुहाडे दिल च कोई सवाल है तो मैं सवाल कर सकते हो, मेरे सोशल मीडिया लिंक तुम डिस्क्रिप्शन मिल जूंगे, उत्थे जाके भी तुम मैं क्वेश्चन कर सकते हो, तुहाडे सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। तो बस यही सी अज्जी वीडियो। वीडियो किवें लगी लाइक करके शेयर करके कमेंट करके जरूर दस्सो। जे तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लियो, तो आने वाली टैक न्यूज़ टैक रिव्यू पंजाबी देख सको मेरे चैनल पर। इस तरह तत्क अपना ख्याल रखियो। लव यू, पीस आउट।